स्वागत है आप सभी का मेरी इस छोटी सी कैंपर लाइफ की दुनिया में। और अभी मैं खड़ा हूँ दारमा वैली के अंदर, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और नियरेस्ट टाउन है। यहाँ से मुंशियारी 30 से 40 किलोमीटर है और पीछे है जॉली जीव, जो कि 15 से 20 किलोमीटर के आसपास है। सो हम लोग मुंशियारी जा रहे थे, बट बीच में हमें एक अच्छी सी लोकेशन मिली तो सोचा क्यों ना अपना खाना वाने की तैयारी कर ली जाए। दोपहर का टाइम हो रहा है, 12 बज चुके हैं और लंच हमने किया नहीं है। सुबह का ब्रेकफास्ट हम कर लिए थे, धारचूला से निकले थे उस टाइम हम लोगों ने लंच कर लिया था अपना। सो अब बारी है लंच प्रिपेयर करने की, मतलब जल्दी से हम लोग अपने जो भी सामान है उसको निकालते हैं, अपना खाना बनाते हैं और आपको बेहतरीन शॉट्स दिखाते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। और इसके अलावा ये देख सकते हो, ये है कुछ आसपास की वैली और अपने पीछे खड़ी है जिमनी, जो कि गंदी हो रही है क्योंकि धारचूला में कल रात को आई थी बरसात और कीचड़ हो रखा था सारे रास्ते में, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया उसको वॉश करवाएं, और कोई वॉशिंग सेंटर भी नहीं मिला। इसके अलावा मेरे पीछे चल रही है गौरी गंगा, जिसको कि धोली गंगा भी बोलते हैं। तो दोस्तों बस यही था, चलो इंस्टॉल करते हैं सामान को और मतलब अपना सामान निकालते हैं बाहर और खाने की तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर यहाँ वेट करेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन पे निकल जाएंगे, नाइट कैंपिंग कहीं और करेंगे। सो तब तक के लिए चलते हैं, मैं कैमरा दूसरी जगह सेट करता हूँ। In my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills. So, ये लो दोस्तों हमारा टर्प और हमारी टेबल दोनों हम लोगों ने सेट कर दी है। अब खाना बनाते हैं, टाइम हो रहा है 12:44, तो करीबन 2 बजे तक हम लोग फ्री हो जाएंगे यहाँ से खाना वाना खा के। तो एक काम करता हूँ, मैं टेबल पे जाता हूँ और खाना बनाता हूँ आपका। तो जी हमने सेटअप कर लिया अपना, ये अपने पास एक गैस स्टोव है जो कि LPG से चलता है प्लस ब्यूटेन गैस से चलता है, दोनों से चला सकते हैं। ब्यूटेन गैस लगानी है तो इसके अंदर लग जाएगी, बढ़िया LPG की पाइप हटानी पड़ेगी उसके लिए। तो भाई सबसे पहले चाय बना रहे हैं क्योंकि मतलब सफर में घूमते घूमते ना थोड़ा परेशान हो जाता है बंदा, तो पहले चाय बनाते हैं फिर उसके बाद अच्छा सा खाना बनाएंगे थे। और हमारे पीछे जो रिवर चल रही है, ये जो साउंड का शोर आ रहा है आपको, ये है गौरी गंगा, तो ये मैंने पहले भी बताया आपको। तो चलो चाय की स्टार्ट करते हैं। तो भाई चाय हो गई है रेडी, तो चीयर्स। और मेरे जो साथ है ना, इन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मेरे को बिस्कुट खा लो, एक मिनट, नहीं 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 रुक जाओ, ये वीडियो बनाने में ये देखो मैं इनको हजार बार बोलता। तो भाई कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट बनाने के लिए तो हाँ यहाँ पे आए हैं हम लोग। अरे वाह वाह, मैं बोलता हूँ खा लेते फिर भूल जाते हैं आप तीस से भी छोड़ दीजिए। तो भाई एक काम करता हूँ, चाय फिनिश करते हैं फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सो दोस्तों बात ऐसी है, हम लोगों ने चाय तो पी ली बट अभी एक लोकल बंदा आया था, उससे हमने एक कैंपिंग लोकेशन के बारे में बात की, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा आगे मतलब 1 किलोमीटर आगे चले जाओ आप, एक सेरा हॉट वाटर स्प्रिंग के नाम से एक एरिया है जहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्राउंड है रिवर के साइड में, वो बोल रहे हैं वहाँ जाइए आप कैंपिंग कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। सो अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से निकल कर एक बार वहाँ जाते हैं, वो कह रहे हैं काफ़ी बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है और पूरा ग्रीन ग्राउंड है, तो तैयारी करते हैं यहाँ से निकलने की, सारा जितना भी सामान है सारा पैक करते हैं और फिर आगे की तरफ निकलते हैं, वहीं पे जाके फिर कुछ खाना बना लेंगे और आज का नाइट स्टे भी वहीं कर लेंगे। और वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग भी है तो वहाँ पे हम लोग नहा भी सकते हैं आराम से, क्यों। तो एक काम करता हूँ, मैं सामान पैक कर लेता हूँ फिर निकलते हैं आगे, फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग का। सो भाई ये हमारा कैंपिंग सेटअप था, ये देख सकते हो यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे अपने कैंपिंग सेटअप किया और आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है। सो अब हमारा प्लान ये है कि हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे
बट अब हमारा प्लान ये है कि 2 बज रहे हैं और पहले हम वहाँ उस लोकेशन पे पहुँचते हैं, वहाँ पे अपना सामान लगाते हैं, फिर वहीं पे खाना बनाएंगे और आज रात का भी नाइट स्टे भी वहीं कर लेंगे। ये देख सकते हो, ये है हमारा छोटा सा कैंपर वैन, ये है हमारा छोटा सा किचन, ये टेबल देख सकते हो आप। और YouTube पे अभी भी किसी के पास ये जो कैंपिंग टेबल है ये किसी के पास मौजूद नहीं है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो बता देना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो भी लिंक है इसका। पर ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है डेकैथलॉन से भी, बट स्टडी है। टोटल ओवरऑल 50 किलो तक का वेट ये झेल सकती है। ये हमारा बर्नर है, वहाँ पे ब्लास्ट प्रूफ अपना सिलेंडर रखा हुआ है और ये अपने किचन सेटअप है, सॉरी ये अपने बर्तन है। एक काम करते हैं, जल्दी से जो भी सामान है उसको पैक करते हैं और वो जो लोकेशन है, जो प्लेग्राउंड है, वहाँ चलते हैं और वहाँ से दोबारा सेटअप कर लेंगे अपना। तो मैं रैप अप कर लेता हूँ इनको और फिर मिलता हूँ मैं आपसे आगे। जो भी सामान था सारा पैक कर लिया यहाँ से और अब बस यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग आगे की तरफ, जो कि मुंशियारी की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी गाड़ी पूरी तरीके से पैक हो चुकी है, तो अब इसको लेके निकलते हैं हम आगे 1 किलोमीटर आगे, फिर वहां से अपनी कैंपिंग कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बने रहो। तो भाई हम लोग अपनी कैंपिंग साइट छोड़ दी, ये वाली हम लोगों ने, और टाइम हो गया 2:34। बाकी लोकेशन ये भी ठीक थी, ऐसी बात नहीं है कि बेकार थी, बस थोड़ा सा ना पथरीली थी, मतलब जो लगा लो आप बजरी टाइप की रेता उसके ऊपर थी। बट जो आगे हम जा रहे हैं वो तो मैं एक बार देखूंगा, वैसे तो मैंने वीडियोस में देखी है बट रियल पहुंचने के बाद ही बता पाऊंगा मैं आपको लोकेशन कैसी है। फोटोज में तो दिख रही है अच्छी है, बाकी अगर आपको यहाँ की, जहाँ पे मैंने अभी हाल फिलहाल कैंपिंग की है, यहाँ की लोकेशन चाहिए तो भाई मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको लोकेशन शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। और तो चलो एक बार मैं फटाफट रोड पे पहुँचता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। एक तो यार ये सीट बेल्ट ना बड़ा दुखी करती है इंसान, ऐसे होना चाहिए खड़ा है बस खट को दबाता है थारे स्टीयरिंग में सब नाम लागे। पीछे वाले के तो मैंने वो निकाल दिए, पहले पीछे वाले भी मतलब आवाज करती थी जिमनी के अंदर, बट पीछे वाले के जो मेन स्विच वही फाड़ दिए मैंने, तब पीछे वाले सीट लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई सेंसर नहीं लगता। तो एक छोटा सा सामान ले लेते हैं यहाँ पे,